नमस्कार छात्रों, मैं आशुतोष पंत। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिंग। हम सबको पता है कि हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, हमें यह पता है कि पुल्लिंग जो है वो पुरुष जाति का बोध करवाता है और स्त्रीलिंग जो है वो स्त्री जाति का बोध करवाता है। हम नाम के आधार पर भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं, ये हम अब तक पढ़ते आए हैं। सबसे पहले तो संस्कृत के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा जो है हमारी, वो संस्कृत है। प्राचीन काल में हमारी बोलचाल की जो भाषा थी वो भी संस्कृत थी। देववाणी, देवताओं की वाणी जो है वो भी संस्कृत है, इसीलिए से देववाणी, सुर भारती इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और व्याकरण की दृष्टि से परिपूर्ण है, और कोई भाषाएं जो है व्याकरण की दृष्टि से परिपूर्ण नहीं है। केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिक है, शुद्ध है और परिष्कृत है। तो इसी के विषय में बताया गया है यहाँ कि सबसे पहले ये बताया गया कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है तथा इसका व्याकरण पूर्णतया वैज्ञानिक, शुद्ध एवं परिष्कृत है। संस्कृत भाषा अनेक दृष्टियों से अन्य भाषाओं से विशिष्ट है। अब यह क्यों विशिष्ट है, इसके विषय में वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कोई भी संदेश अगर हम उपग्रह के द्वारा अंतरिक्ष में भेजते हैं अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, तो वो क्या है कि वहाँ पर जाकर के उल्टा पुल्टे हो जाते हैं शब्द, क्योंकि धरती में ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण से वो जो वर्ड्स हैं, जो अक्षर हैं, वो शब्द हैं जो, वो इधर उधर नहीं होते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में जाकर के वो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। जैसे हमने भेजा अंतरिक्ष में कोई लिख करके शब्द वाक्य है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो अंतरिक्ष में जब वो शब्द जाएगा तो बनेगा इज़ राम गुड बॉय गुड, ऐसे भी हो सकता है, तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, वो समझने वाला चाहिए उसको। लेकिन अगर हम संस्कृत में भेजेंगे, राम है शोभन है बालक अस्ति, इसी वाक्य को लेंगे हम, और अंतरिक्ष में गया वो शब्द उपग्रह के माध्यम से और वहाँ आया शोभन है बालक अस्ति राम, तो अर्थ वही रहेगा, इसका अनर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी इसको जो है भाषा को शुद्ध और परिष्कृत माना है। कंप्यूटर की भाषा भी इसको माना गया है, क्योंकि कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए जो आता है उसके लिए भी व्याकरण संस्कृत भाषा को जो है वो शुद्ध माना गया है। तो ये बात है संस्कृत के विषय में, ये किस प्रकार से संस्कृत पूर्णतया वैज्ञानिक है, शुद्ध है और परिष्कृत भाषा है। अब हम मेन टॉपिक जो है वो लिंग, उसके बारे में आएंगे। हमें ये पता है कि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब उसका अंग्रेजी में भी बता रखा है, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो इस तरह से तीन लिंग जो हैं संस्कृत भाषा में होते हैं। तो सबसे पहले आएंगे हम पुल्लिंग पर, कि पुल्लिंग कहते किसको हैं। पुल्लिंग का हम सभी को पता है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बालक, अध्यापक, छात्र और अश्व आदि, जो पुरुष जाति का बोध करवाएं वो पुल्लिंग कहलाएंगे। अब स्त्रीलिंग देखें, बालक की जगह आप किसी का नाम भी कह सकते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, पार्थ, दीपांशु, तो ये पुल्लिंग जाति का बोध करवा रहे हैं कि ये किसी पुरुष के नाम है, तो वहाँ पर पुल्लिंग ही होगा, पुरुष जाति का बोध करवा रहा है वो। अब आया स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे बालिका, अध्यापिका, नदी, रमा, उमा, लता, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं, गायिका, तो जो स्त्री जाति का बोध करवाएं वो स्त्रीलिंग शब्द ही कहलाएंगे। किसी लड़की का नाम है वो भी स्त्रीलिंग शब्द में ही आएगा, जैसे हमने वंशिका नाम ले दिया तो वो भी जो है स्त्रीलिंग शब्द में ही आएगा, उससे क्योंकि नाम के अकॉर्डिंग हमें इस बात का पता लग रहा है कि जो है ये शब्द स्त्रीलिंग है।
ये स्त्रीलिंग के लिए है, प्रयुक्त हुआ है। नपुंसकलिंग शब्द, जिन शब्दों से उनके जड़ जाति अचेतन निर्जीव होने का पता चले वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं, जैसे फलम, मुखम, पुस्तकम आदि। कहने का मतलब ये है कि जड़ जाति का मतलब जिनमें कोई जीवन नहीं है, वो जड़ हैं, जो निर्जीव हैं, जो वो सब क्या होते हैं, नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। फलम जड़ है, मुखम मुख, पुस्तकम पुख पुस्तक, यानी इनके जड़ जाति होने का। जैसे अब अगर आप अपने क्लासरूम में आ जाएं तो जो आपका डेस्क है, टेबल है, चेयर है, वो सब जड़ हैं, जड़ हैं वो सब, तो वो सब क्या कहलाएंगे, नपुंसकलिंग शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार से मुझे आशा है कि आपको लिंग का जो लिंग के विषय में जो हमने बताया है, मैंने बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।